संवाददाता कांक्षा पांडे और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के मौके पर सज गए हैं मां के दरबार, मां के मंदिर में लगी है भक्तों की भीड़। इस मौके पर आपको भी लेकर चलते हैं मां के ऐसे ही दरबार में, जहां दो बहनों के रूप में मां अपने भक्तों को देती हैं अपना आशीर्वाद। मां चामुंडा और तुलजा मां टेकरी एक पवित्र धाम है। जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन एक सवाल है जो हर भक्त के मन में उठता है। यहां आने वाला कोई भक्त ऐसा नहीं जो इस सवाल से अछूता रहा। एक सवाल जो जिज्ञासा बनकर हर भक्त के दिलो दिमाग में बस जाता है। एक सवाल जो किसी अचंभे से कम नहीं। टेकरी पर देवी दर्शन की शुरुआत होती है तुलजा माँ के मंदिर से। दरअसल माँ तुलजा ही बड़ी माता है। आगे चलने पर दर्शन होते हैं माँ चामुंडा के, और यहीं से शुरुआत होती है अचरज, अचंभे और सवालों की। गुफा के पत्थरों पर दिखाई देने वाला चामुंडा माँ का स्वरूप अत्यंत विराट है, जबकि ये इन पहाड़ों की छोटी माता है। टेकरी पर पहुंचने वाला हर भक्त ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि आखिर क्या है माँ के इन स्वरूपों की वजह। टेकरी की शुरुआत में दिखाई देने वाली माँ तुलजा आखिर छोटे स्वरूप में क्यों दिखाई देती है, जबकि उनकी छोटी बहन यानी कि चामुंडा माँ क्यों दिखती है विराट और बड़े स्वरूप में। मेरे को अभी एक महीना हुआ है, एक महीना यहीं पर आया हूँ। मैं पहली बार देखा था, पहली बार आया था, मेरी मनोकामना पूरी हुई, तो फिर मैं यहाँ रोज ही रोज आ रहा हूँ। माँ के इन अलग अलग स्वरूपों के सवाल का जवाब छिपा है एक किंवदंती में। तुलजा माँ और चामुंडा माँ दोनों बहने हैं। कहा जाता है कि एक बार दोनों बहनों में लड़ाई हो गयी। क्रोधित होकर माँ तुलजा टेकरी में समाने लगी और चामुंडा माँ टेकरी छोड़कर जाने को तैयार हो गयी। वो एक दूसरे से जुदा हो पाए उससे पहले बजरंगबली और भैरव बाबा ने उन्हें मनाने की कोशिश की। इस मान मनुहार तक तुलजा माँ का आधा धड़ पाताल में समा चुका था, लेकिन वो वैसे ही टेकरी पर रुक गए। और यही वजह है कि तुलजा माँ का स्वरूप छोटी माँ यानी कि चामुंडा माँ से छोटा दिखाई देता है। ऐसी ही अनूठी माताओं के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। दो देवियों का वास है, इसे भी कहा जाता है देवास। तो जहाँ आप दर्शन का लाभ ले रहे हैं, ये बड़ी माता जी तुलजा भवानी है, और यहाँ पर नवरात्रि में माँ का विशेष श्रृंगार बड़ी माता और छोटी माताओं पे विशेष किया गया है। यहाँ की ये मान्यता है कि किसी को बाल बच्चा नहीं होता है तो यहाँ माँ के मुँह में पांच पान का बीड़ा दिया जाता है। जब बीड़ा दिया जाता है तो उस माता को माँ के समक्ष बिठाई जाती है। बिठाई जाती है, उसके बाद माँ जो पान का बीड़ा रहता है वो उसकी गोद में गिराती है। इसके बाद उसे बाल बच्चा या कोई से भी काम नहीं हो रहे हैं तो होते हैं। माँ चामुंडा का स्थान है माँ तुलजा भवानी का, और आज से नवरात्रि शुरू हुआ है। माँ के प्रति मन में बहुत श्रद्धा है, तो सुबह से रात भर नींद नहीं है इस चक्कर में, और सुबह जल्दी उठ के हम माँ के दर्शन के लिए आए हैं। कम से कम 15 से 20 लाख लोग पूरे नवरात्रि में आते हैं, और यहाँ एक श्रद्धा का और जुड़ा है कि माँ के मंदिर में लोग नंगे पैर ही दर्शन के लिए आते हैं। टेकरी की महिमा इतने पर ही खत्म नहीं होती। ये पूरे देश का एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ दर्शनों के साथ साथ पूरी परिक्रमा भी अपने आप हो जाती है। अमिताभ शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, देवास।